हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना रियलिस्टिक बिजी रूटीन शेयर करती हूँ। किसी किसी दिन जब मेरी नींद लेट खुलती है, मैं सुबह लेट हो जाती हूँ उठने में, उस दिन मेरा दिन कैसे बिजी रहता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक रियल पिक्चर दिखा रही हूँ आपको। जब टाइम पे उठते हो, टाइम पे सारे काम हो जाते हैं, तो वो तो रूटीन अच्छा आपने देखा ही हुआ है, बट किस तरीके से जब मैं लेट हो जाती हूँ क्लॉस होता है, वो रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी करीबन 11:30 हुआ है, मैं जस्ट शावर लेके रेडी हुई हूँ। आज मेरा लंच भी नहीं बना है, गोविंद को स्कूल छोड़ना होता है मुझे 12:15 बजे तक, तो उससे पहले उसको लंच भी कराना है। तो यहाँ पे उसकी डिमांड आई कि मम्मी आज पनीर ही खाना है। मेरा प्लान कुछ और था, सिंपल सी दाल वगैरह बनाने का, बट मैंने सोचा चलो बच्चे ने बोला है तो क्विक वाला पनीर बना देते हैं। तो यहाँ पे सब मैंने चॉपिंग करके रख ली है, और आज जो ट्रेडिशनल पनीर मैं बनाती हूँ वो बनाने का टाइम नहीं है, तो मैं दही का यूज करके अच्छी सी पनीर की सब्जी बनाऊंगी। तो दही के अंदर ना मैंने सारे जो बेसिक मसाले होते हैं, शाही पनीर मसाला वगैरह, सब ऐड कर लिया है, फेंट लिया है दही को, और अब घी में हींग जीरे का तड़का लगा के जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली को सौते कर लिया, फिर प्याज को सौते कर लिया, और साथ में ही 2 टमाटर कट करके ऐड कर दिए थे, उनको भी मैं पका लूंगी अच्छे से कवर करके। और अभी आप टाइम देखो, 11:30 ऑलरेडी हो चुका है। किचन भी पूरी मैसी थी मेरी, ब्रेकफास्ट के बाद जो बर्तन थे वो भी नहीं गए थे डिशवॉशर में, तो अभी मैं क्विकली मल्टीटास्किंग करके अपना डिशवॉशर लोड कर रही हूँ। और यहाँ पे जो टमाटर हैं वो पक चुके हैं, तो मैंने जो दही फेंट के रखा था सारे मसालों के साथ वो भी ऐड कर दिया है। दही वाली सब्जियों में ना एक ट्रिक होती है कि जब भी आप ऐड करो तो गैस को एकदम सिम फ्लेम पे कर दो और चलाते रहो, तो दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अदरवाइज ना मोस्ट ऑफ द टाइम दही वाली सब्जियों में दही फट जाता है। तो देखिए यहाँ पे दही जो है अच्छे से मिक्स हो गया है ग्रेवी के साथ, और अब मैं इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने केशु के लिए भी एप्पल प्योरे बना के रख ली है, तो उसको भी लंच टाइम पे ही मेरी फर्स्ट मील होती है जो मैं उसे देती हूँ, तो उसको भी खिलाना है। और यहाँ पे ग्रेवी रेडी हो गई थी तो मैंने पनीर ऐड कर दिया है, और सिंस हमने टमाटर और दही दोनों यूज किया है, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मीठा ऐड किया है बैलेंस आउट करने के लिए टेस्ट को, और थोड़ा सा ऊपर से कसूरी मेथी ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया है, और पनीर की सब्जी रेडी हो गई है। अब बस सैलेड कट करूंगी और फटाफट से रोटियां बना लूंगी खाना सर्व करने के लिए। तो ये हो गया है हमारा यमी वाला लंच रेडी, मैंने गोविंद को भी सर्व कर दिया। ये अंशुल का लंच है, मैं अपना लंच गोविंद को स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं अब केशु को उसका लंच करा रही हूँ, तो उसको एप्पल प्योरी खिलाऊंगी, साथ साथ गोविंद अपना लंच कर रहा है। बस सुबह का टाइम ऐसे ही होता है, बस भागा भागा टाइम रहता है, मतलब लगता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। अगर किसी दिन आप लेट हो जाओ ना उठने के लिए आधा घंटा भी, तो लेटर ऑन एटलीस्ट 1-2 बजे तक ऐसा लगता है कि सारा काम मेसी हो गया है, एकदम भागम भाग हो गई है। तो क्विकली लंच वगैरह फिनिश करने के बाद अब मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ, गोविंद को ड्रॉप करने जाना है स्कूल। और अभी विंटर्स का टाइम है ना, तो घर से निकलने से पहले भी ड्रेसअप होने में एटलीस्ट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं। पहले खुद तैयार हो, फिर बच्चों को तैयार करो, और फिर निकलो। और बस गोविंद को स्कूल ड्रॉप करने के बाद पास ही में डॉलर स्टोर था, तो मुझे 1-2 चीज़ें ही लेनी थी, मैंने सोचा आ जाती हूँ, क्योंकि वही बात है फिर शाम को अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो घर से निकलने का मन नहीं करता, और फिर सब लोगों को ड्रेसअप करके लेकर आओ, फिर लेके जाओ, तो मुझे लगता है कि जब मैं उसको पिक एंड ड्रॉप कर रही हूँ तभी अपने बाहर के जो छोटे मोटे काम है ना वो फिनिश कर लूं। और यहाँ पे क्रिसमस का बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन आया हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आ गई डॉलर स्टोर से, थोड़ी देर पहले आई थी, और ये बाबू को आज मैं घर छोड़ के गई थी। ये सो गया था तो मैं डैडी के पास छोड़ गई थी, क्योंकि अंशुल आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मैंने कहा इसे रख लो। और आज वेदर बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा जाके आऊंगी डॉलर स्टोर वगैरह। अच्छा, सबको नमस्ते बोल दो, हेलो बोल दो। केशु, केशु देखो, वहां देखो, सबको हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। ये बहुत नॉटी हो गया है पता है, अब उसने ना बैठ के खिसकना भी स्टार्ट कर दिया। कहीं एक जगह बिठा दो, जैसे मैं ना इसको नीचे मैट लगा के बिठा देती हूँ, और बैठा बैठा ही खिसक जाता है अब, और हर चीज पे झपट्टा मारता है, हर चीज इसको अपने हाथ में चाहिए। तो चलो इसको यहाँ बिठाते हैं, डॉलर स्टोर का सामान दिखाती हूँ। डॉलर स्टोर पे हर चीज अब 1.25 की हो गई है, जो पहले 1 डॉलर की मिलती थी अब वो 1.25 की हो गई है। तो मैंने एक ये अपना ट्री टॉपर लिया है, हमारा ट्री ना ऊपर से बेचारा बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसके ऊपर ये स्टार नहीं था उसे कंप्लीट करने के लिए। तो एक मैंने ये ट्री टॉपर लिया, एक ये पॉ पेट्रोल का गिफ्ट रैपिंग पेपर लिया, बिकॉज क्रिसमस है और गोविंद ने इसका गिफ्ट हमें रैप करके रखना होगा अपने क्रिसमस ट्री पे, तो पॉ पेट्रोल का मिल गया मुझे।
गोविंद का पॉ पेट्रोल शॉप तो है ही, तो मैंने एक ये लिया और एक मेरे को ये ईयर कफ्स चाहिए थे। एक दिन मैं वॉलमार्ट गई थी, ढूंढ रही थी, नहीं मिला, बट आज मुझे ना लकीली डॉलर स्टोर पे मिल गया। ऐसे लगा के कान अच्छे से कवर हो जाते हैं। विंटर्स में ना यार बहुत ठंडा, बहुत ठंडी हवा चलती है, तो कैप से मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, मुझे हेडेक हो जाता है। आई डोंट नो, यहाँ पे ना मुझे कैप बिल्कुल सुहाती नहीं है, तो ईयर कफ्स ले लिए जिससे कि कान एटलीस्ट कवर हो जाएंगे, और बाकी जो कोट की कैप होती है वो तो है ही है। अभी मैं जल्दी से भागती हूँ, गोविंद को स्कूल से पिक करना है, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, आते आते लेट हो गई थी, फिर आपके साथ गप्पे मारने बैठ गई और केशु का ध्यान रखने लग गई, ध्यान ही नहीं दिया। 2:45 हो गया, गोविंद को पिक करना है। आने के बाद मैं आप लोगों को अपनी एनिवर्सरी शॉपिंग दिखाती हूँ। अभी मैं जाती हूँ, इसको ऊपर छोड़ देती हूँ डैडी के पास। चलो आओ डैडी के पास चलो। बाय कर दो सबको, बाय 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 कर दो, बाय बाय। आज का मेरा सुबह का दिन कहाँ निकला मुझे खुद भी पता नहीं चला। अभी शाम के 4:45 बज गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बस गोविंद आया है, इसको चेंज वगैरह करा के, फ्रेशन अप करा के, थोड़ा स्नैक वगैरह दिया है, और इसको मैं साथ में लेके बैठी हूँ, थोड़ी देर कुछ पढ़ाऊंगी। इनके स्कूल में ना एक ब्लूम्स ऐप है जहाँ पे टीचर्स सब कुछ अपडेट कर देती हैं कि उस पर्टिकुलर डे पे बच्चों ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, कौन सी बुक पढ़ी, जिससे कि पेरेंट्स भी इन्फॉर्म्ड रहें, और अगर आपको घर पे बच्चों के साथ उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है तो वो कर सकें। तो हम लोग हर रोज़ का हमारा ये टास्क होता है कि स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर हम बैठते हैं साथ में, और जो भी उसने स्कूल में किया होता है तो मैं उसे पूछती हूँ इन डेप्थ कि क्या किया, कैसे सीखा, क्या कराया, किस टीचर ने। Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. तो चलिए केशु को मैं यहाँ पे बिठाती हूँ उसके टॉयज के साथ, वो थोड़ी देर बैठ के खेलेगा। गोविंद और उसका फ्रेंड भी कभी यहीं पे खेल रहे हैं, कभी बेसमेंट में जाके बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और अंशुल भी यहीं पर हैं, तो देख लेंगे केशु को वो गिरेगा नहीं, वैसे अब वो बैठ जाता है। तब तक मैं चलती हूँ किचन में, डिनर बनाना स्टार्ट करती हूँ। दोनों बच्चे नीचे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो आपको वीडियो में बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती रहेगी, क्योंकि वो एकदम चिल्ला चिल्ला के तेज तेज आवाज में खेलते हैं। 1.5 घंटा खेलते हैं विंटर्स में घर में, बट एक पैर ऊपर होता है, एक पैर इस लेवल पे, एक पैर बेसमेंट में, ऐसा भागा दौड़ी मचाते हैं, इतना ज्यादा थक जाते हैं ये लोग। 9 बजे तक तो गोविंद का ऐसा होता है कि बस मम्मा बेड, और मैं सोया, 5 मिनट नहीं लगाता सोने में एकदम, और एक बार सोता है फिर सीधा सुबह ही उठता है, एक बार भी बीच में रात में उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती, इतना ज्यादा थक जाता है। और अब तो वैसे भी उसकी आफ्टरनून नैप भी बंद हो गई है, क्योंकि जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है उसका, पीएम स्कूल है ना, तो आते आते फ्रेशन अप होता है, फिर थोड़ा स्नैक वगैरह दो, उसमें 4 बज जाता है, तो वो सोने का सारा टाइम निकल जाता है। तो चलो मैं आप लोगों को अपनी एनिवर्सरी शॉपिंग दिखाती हूँ। पहले तो आप गेस करो कि मैंने क्या लिया होगा। अब विंटर्स में एनिवर्सरी आती है और हम रहते भी शिकागो में हैं, तो विंटर रिलेटेड ही कुछ सामान लिया है। पता है कल हम लोग पहले तो मेसीज गए थे वर्नॉन हिल्स, वहां पे मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे एक बारी तो ऐसा डिसहार्टनिंग लग रहा था कि यार मेरे टेस्ट का कोई कपड़ा क्यों नहीं है, या तो एक्चुअली फेस्टिव सीजन है तो सब लोगों ने इतनी ज्यादा शॉपिंग कर ली है कि सारा सामान ही खत्म हो गया, या फिर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। बट फाइनली बहुत सारा ढूंढने के बाद हम कोल्स पहुंचे शाम को, तो कोल्स पे मुझे एक ये हुडी पसंद आया, तो अंशुल ने कहा ले लो, अब जो पसंद आ रहा है वो ले लो। तो इसका कोई ब्रांड वगैरह मुझे नहीं पता, काफी सही प्राइस पे था, आई थिंक $17-18 का ही था, और इसका मटेरियल काफी सॉफ्ट सा है, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, और कलर भी मुझे काफी अच्छा लगा, और अंशुल को इस टाइप के कलर्स अच्छे लगते हैं, तो सॉलिड सा एक प्लेन कलर है। सामने इसके सेल्फ प्रिंट है, मतलब सेल्फ डिजाइन है, तो मुझे अच्छा लगा, कल सुबह पहनूंगी, तो देखते हैं कैसी फिटिंग आती है इसकी। एक मैंने जैकेट ली है, मुझे ना एक लॉन्ग में जैकेट लेनी थी, मेरे पास एक है लॉन्ग वाली जैकेट, क्योंकि विंटर्स में ना यार ऊपर से तो जब से मोटी जैकेट पहन ली पैरों में बड़ी ठंड लगती है, तो जैसे ना यहाँ यहाँ तक वाली जैकेट आती है लॉन्ग वाली, तो मेरे पास एक है, वो बहुत ही ज्यादा बल्की है, उसमें मुझे बहुत अनकंफर्टेबल दम सा घुटने लगता है, तो मेरे को एक थोड़ी सी लाइट वेट चाहिए थी। ये मैंने कोलंबिया से ली है, जो मेरे पास पहले लॉन्ग वाली है वो भी कोलंबिया की है, और शॉर्ट वाली भी कोलंबिया की है। कोलंबिया की जैकेट्स बहुत अच्छी होती है, नॉर्थ फेस की बहुत अच्छी होती है, तो एक मुझे ये वाली पसंद आई। इसका अंदर का मटेरियल बहुत सॉफ्ट सा है, और मैंने ये एकदम फिटेड में ली है, मीडियम साइज की ली है, तो एक बार आपको पहन के दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये डील में नहीं थी,
ये सब शॉपिंग ना आपको डील में करनी चाहिए। थैंक्सगिविंग के टाइम पे काफी अच्छी डील होती है आउटलेट मॉल्स में, बट इस बार हम यहाँ नहीं थे, अदरवाइज मैं ये एनिवर्सरी के टाइम नहीं खरीदती। मैं सब थैंक्सगिविंग के टाइम पे ले लेती हूँ और फिर वो एनिवर्सरी गिफ्ट हो जाता है। तो ये है मेरी जैकेट, काफी अच्छी दिखाती हूँ। एक बस ये मैंने जैकेट ली और मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, और कपड़ों की ऐसा मुझे ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। और दिसंबर ना अंशी का बर्थडे मंथ भी, अंशी का बर्थडे होता है 24 दिसंबर को, तो मेरा मन था कि एनिवर्सरी और बर्थडे का मिला के वो अपने लिए भी कुछ ले लें। बट यार हस्बैंड को शॉपिंग कराना इतना ज्यादा टफ होता है ना। कल हम मेसीज पे गए, मुझे काफी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स लग रही थी कि अच्छी है, बट उनको कुछ लेने का मन ही नहीं था। वो भी आए हैं अपनी बुराई सुनेंगे तो मुझे डांटेंगे बाद में, बट यार वो कुछ अपने लिए लेना ही नहीं चाहते हैं। नहीं ये महंगा लग रहा है, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, इसका पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा बोल बोल के मना कर देते हैं। फिर फाइनली खैर कपड़े तो नहीं लिए, बट थोड़े दिन पहले उनको आईफोन लेना था तो उन्होंने आईफोन 11 लिया है। आप बता दो कहाँ से लिया है? आईफोन 11 उन्होंने एक्सपीडिटी से लिया है। एक्सपीडिटी से लिया है डील में। क्या करे, तुम्हारी शॉपिंग कराने के बाद कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। मैंने तो कई करी है शॉपिंग, आपने तो पहले से ले लेते कुछ। तो इन्होंने एक्सपीडिटी, ये कैरियर के साथ है, तो अब वो भी आईफोन 11 लिया, आईफोन 13 भी नहीं लिया, मतलब प्रो तो छोड़ ही दो। तुम्हारे को आईफोन 13 प्रो दिलाया, एक किडनी चली गई, दूसरी किडनी तो बचानी पड़ेगी ना। तो आईफोन 13। अब वैसे भी यार लेटेस्ट फोन वगैरह में ना वीडियो क्वालिटी वगैरह ज्यादा अच्छी होती है, और मेरे को अपनी वीडियोग्राफी के लिए चाहिए था, तो आईफोन 11 भी अच्छा है वैसे तो काम चलाने के लिए, आई मीन फोन कॉल्स एंड नॉर्मल फोन की तरह यूज करने के लिए तो काफी सही है। तो ये था हमारी एनिवर्सरी शॉपिंग। और हाँ एक चीज रखी हुई है यहाँ पे तो वो भी दिखा देती हूँ। अभी ना कॉस्को पे ये स्मार्ट प्लग्स आए थे, ये $15 के थे, तो हमने ऐसे 3 packs ले लिए थे। दो तो हमारे ऑलरेडी पूरे घर में अंशु ने लगा दिए हैं, सब वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, एक अभी और बचा हुआ है। कॉस्को अगर आपके पास घर के आसपास है और अगर ये स्मार्ट प्लग्स मिल रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा है। इसका एक और वर्जन है सेम कंपनी का, वो $27 में मिल रहा है, तो हमें तो ये सस्ता वाला मिल गया था, तो हमने एक साथ ही तीनों ले लिए थे, क्योंकि फिर ना हर इन स्मार्ट डिवाइसेस की अलग अलग ऐप डालो, अलग अलग उनको ऑपरेट करो, बेटर है कि एक ही टाइप का डिवाइस हो, एक ही ऐप में सब चल जाते हैं। तो ये लिया था, ये यहीं रखा था, बेसमेंट में जाना है, एक्स्ट्रा लेके रख लिया था। सो अभी करीबन शाम का 6 बजा है और ये हमारा डिनर टाइम होता है। ये दोनों बच्चे हमारे ना पनीर लवर हैं, तो इन दोनों को मैंने पनीर की सब्जी और रोटी दे दी है, और मैंने हम लोगों के लिए मूंग की दाल और राइस बना लिया था डिनर के लिए। तो बस डिनर वगैरह फिनिश करने के बाद हम लोग आ गए हैं बेसमेंट में। केशु सो गया है, उसको भी मैंने मूंग की दाल और राइस प्योरे करके खिला दी थी, तो वो अपनी इवनिंग नैप कर रहा है, नीचे ले आई हूँ उसको भी। और बस अब हम तीनों मिलके वॉक करेंगे, थोड़ी देर बास्केटबॉल खेलेंगे, एंड अराउंड 1 hour अपना टाइम बेसमेंट में स्पेंड करते हैं, क्योंकि विंटर्स है यार, कहीं बाहर तो जाना नहीं होता, तो शाम हमारी पूरी खाली सी होती है। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इन्जॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर से मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।